अचानक अंदर आ जाता तो आपके बेटी के मुंह से निकले हुए मेरी माँ के तारीफ में जो शब्द थे वो कैसे सुनता है? अरे नहीं नहीं बेटा, ये जुबान की ही खराब है, दिल तो इसका शायद उससे भी ज्यादा। देखो बेटा, नेहा की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। तुमने अपनी माँ से बात की कि नहीं? उन्हें तो बहुत फिक्र हो रही होगी। मैंने की है। अच्छा, तुम नेहा के पास जाकर बैठो, मैं जरा दूसरे काम निपटा लूँ, ठीक है? अब तो तुम लोगों को एहसास हो गया होगा कि नेहा को मुझसे दूर रख के तुम लोगों ने कितनी बड़ी भूल की। अरे दूसरों का तो छोड़ो, पर कम से कम तुम्हें तो ये समझ होनी चाहिए थी। कल्पना, तुम इतनी समझदार नहीं हो कि मुझे समझा सको। अजीब आदमी हो तुम, क्या तुम इतना भी फर्क नहीं महसूस कर सकते? मैं जब तुम्हारे घर आती हूँ तो मेरा कैसे स्वागत होता है, और तुम जब यहाँ आए तो तुम्हारा कैसे स्वागत हुआ? तुम्हारे पापा ने मेरा स्वागत नहीं किया, बल्कि अपने तरीके से, अलग अलग बहाने से मुझे जलील किया। अजय, जब तुम्हारे यहाँ आने की बात उन्हें पता चली तो उन्होंने अपने हाथों से सारे घर की सजावट की है। घर की सजावट? तुम इसे घर कहती हो? मुझे तो ये महंगी महंगी चीजों से भरी हुई कोई सस्ती सी दुकान लगती है, जिसका मालिक अपनी हर चीज की नुमाइश करता है, खोखली नुमाइश। अजय, तुम मेरे घर के बारे में, मेरे पापा के बारे में ऐसी बातें कर सकता हो? कह नहीं रहा हूँ, असलियत बता रहा हूँ। How dare you say this? Excuse me. आप लोग प्लीज बाहर बैठिए, आपकी वजह से बच्ची डिस्टर्ब हो रही है। तुम्हें कह रही हूँ। देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा था कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है पैसा, और इसी पैसे ने मजबूर कर दिया तुम्हारे दामाद जी को यहाँ आने के लिए। गलत कह रहे हैं आप। अजय आपकी दौलत की ताकत के आगे झुका नहीं, वो बेचारा तो यहाँ अपनी बच्ची के लिए आया है। ये तो उसकी शराफत है कि न चाहते हुए भी या आपके पैसों का दिखावा। दिखावा? तुम इसे दिखावा कहती हो, लेकिन मैंने तुम्हारे दामाद जी के स्वागत के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। किसी के स्वागत के लिए ढेर सारे रुपयों की नहीं, दो मीठे बोल की जरूरत होती है। अगर आपने उसे गले लगा लिया होता तो ये सिलसिला फिर शुरू हो सकता था। अजय के दिल में आपके लिए आदर बढ़ गया होता। बरसों बीत गए हैं तुम्हें इस घर में रहते, लेकिन तुम अपनी लोअर मिडिल क्लास मेंटेलिटी को नहीं भूली हो। भावना, आदर्श, संस्कार, ये सब खोखले शब्द हैं, जिनका इस जमाने में कोई मायने नहीं रखता है। और अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो है पैसा, पैसा। आपकी इसी सोच ने इस घर में किसी भी रिश्ते का अपना असली रूप इख्तियार नहीं कर लिया। बाप बेटी, पति पत्नी, दामाद ससुर, ये सब रिश्ते पैसों के लिए ही बनते हैं और पैसों के लिए ही टूट जाते हैं। ये आपका सोचना है। वैसे दूर क्यों जाते हैं, कल्याणी जी के घर को ही देख लीजिए। शशि, ये बार बार कल्याणी देवी का नाम मेरे सामने मत लिया करो, नफरत है मुझे उससे और उसके परिवार से। ये मत भूलना कि उसी परिवार का एक मेंबर आपका दामाद भी है, आपकी बेटी का पति। इसीलिए जब वो पहली बार मेरे घर आया तो मैंने उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं। नहीं, खातिरदारी के बहाने आपने अपने झूठे अहम की नुमाइश की है। मुझे नहीं लगता वो यहां आएगा। देखिए,
आपकी कसम मानकर मैंने अजय की आरती उतारी है, अब मेरी कसम मानकर आप प्लीज ये झूठा नाटक बंद कर दीजिए। शशि, तुमने मेरा जिंदगी में कभी साथ नहीं दिया, और अगर मेरा साथ नहीं दे सकती हो तो अपनी औकात में रहो। अरे अजय बेटा, आओ बेटा, आओ बैठो बेटा, आओ। कल्पना, अजय को अपने बेडरूम में ले जाओ, ये वहां रेस्ट भी कर लेगा। आओ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। आओ बेटा, आओ। तुम तो जानते हो कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा कि तुम नेहा को लेकर यहां आ रहे हो तो कल्पना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने सारे घर को फूलों से सजा दिया। खर्चा बहुत हुआ होगा इसमें, रुपए भी बहुत लगे होंगे। क्यों? अरे बेटे, तुम्हारे सामने रुपयों की क्या कीमत है? आखिर तुम हमारे दामाद हो, तुम्हारे लिए तो हम आसमान से चांद सितारे भी तोड़ के ला सकते हैं। बेटे तुम लग रहा है काफी थक गया हो, रेस्ट करो, मैं बाद में आता हूं। कहां जा रहे हो? मैं नेहा के पास जा रहा हूं। मत जा, तुम्हारी वजह से नेहा डिस्टर्ब हो जाएगी। वो मेरी वजह से डिस्टर्ब नहीं होगी, तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब होगी। नर्स ने कहा था ना अभी, डोंट डिस्टर्ब, सो मैं जा रहा हूं। सुनिए, कल्पना की वजह से हमारे अपने संभी के साथ संबंध ठीक नहीं है, तो क्या हम नेहा के लिए भी वहां नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? कल्याण, कल सुबह ही निकल चलते हैं अपनी नेहा को देखने के लिए। सुबह? तब तक ये पहाड़ जैसी रात कैसे कटेगी? कल्याण चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कल रात तुम्हें बहुत तेज बुखार था और बेहोशी में तुम बार बार मम्मी को याद कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। पापा, मम्मी कहाँ है? मम्मी रात भर तुम्हारे पास ही बैठी थी, जाग रही थी ना, तो मैंने उसे सोने के लिए भेज दिया। अब तुम्हें कैसे लग रहा है? बेटा पापा, रात में तुमने हम सबको डरा ही दिया था। अरे बेबी को हो सा गया? कब चलेंगे? तुम्हें अब ठीक लग रहा है तो अभी हम लोग यहाँ से। बेबी, ओह माय डार्लिंग, ओह
मेरा बच्चा, कल तुम्हारी हालत देखकर ना मैं तुम मर ही गई थी, लेकिन भला हो उस डॉक्टर का जिसने मुझे तसल्ली दी, वरना मैं तो। मम्मी आप मुझे अकेला छोड़कर बार बार यहाँ पर क्यों रहने आ जाती है? बेटा बेटा तुम यहाँ हमेशा के लिए क्यों नहीं आती, ताकि मुझे वहाँ बार बार ना आना पड़े? पर मम्मी वहाँ पर दादी माँ है, श्वेता बुआ है, चाचू है, सब तो है वहाँ पर। लेकिन मुझे उन सब से क्या, मेरी जान तो तुझ में आती है ना मेरा बच्चा। मम्मी प्लीज मेरी खातिर सही आप दादी माँ के घर रहने आ जाइए प्लीज। लगता है नेहा होश में आते ही पापा ने तुम्हें अपनी जुबान से खा दिया। नहीं मम्मी नहीं, पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा है, मैं तो अपनी तरफ से ही कह रही थी। नेहा मैं अभी निकलता हूँ, घर जाकर मुझे फ्रेश होकर कोर्ट में जाना है ना। ठहरिए पापा, मैं भी आपके साथ आती हूँ। ना ना नेहा, नेहा तुम अब रिलैक्स हो जाओ, तुम आराम करो। देखो बेटा पापा को कुछ काम है ना, तो पापा को जाने दो ना। मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी मम्मा है ना तुम्हारे पास बेटा। पापा मैं तुम्हें फोन करता हूँ ऑफिस पहुँचते। डोंट वरी, आराम करो। मेरा सोना मेरा बच्चा, चल चल अपना आराम करो, चल सो। हो गया है ठीक है, लेकिन जो और किस खुशी में? पूजा करते समय भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अपनी नेहा जल्दी से अच्छी हो जाए। ऋषि नेहा की देखभाल करने के लिए डॉक्टर हैं, नर्स हैं, इसमें तुम्हारा भगवान। ये आप क्या कह रहे हैं, भगवान के लिए ऐसे नास्तिक मत बनो। देखिए लाख डॉक्टर नर्स उसकी सेवा में लगा दें, लेकिन जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। मम्मी करिश्मा चाहे किसी का भी हो, भगवान का है डॉक्टर का, और खुशी की बात यह है कि नेहा को होश आ गया है। सच पिता? हाँ कल्पना उसी के पास है, जिस काम के लिए आया था वो तो हो गया, मैं चलता हूँ। अजय तुम रात भर जगे हो, बहुत थक गया होगे। नहीं पापा, फ्रेश होने के लिए मैं घर जाऊंगा, अपने घर। क्यों, ये तुम्हारा अपना घर नहीं है क्या? यहां तुम्हें किस चीज की कमी है? कमी का तो पता नहीं, पर मुझे तो यहां पर कुछ भी भरा पूरा नजर नहीं आ। मैं चलता हूं। हेलो अजय, तुम इस घर के दामाद और पहली बार अपनी ससुराल आए, वैसे तो तुम्हें बहुत पहले आना चाहिए, लेकिन मेरी बेटी से शादी करने के बाद तुम सीधे उसे अपने घर ले, हमारा आशीर्वाद दिलाने भी उसे यहां दे। पर आज तुम मुझे अपने अरमान की, आखिर मेरी बेटी का बाप और हमारे इस घर की परंपरा। ये सुझा हमारी तरफ से एक छोटी सी नए कार्य। नहीं पापा, मैं ये आपकी भेंट नहीं ले सकता। बेटे ये हमारी रस्म है, जब दामाद पहली बार आता है तो। भगवान न करे मुझे फिर कभी यहां आना पड़े। सुनिए इनके कहने का मतलब है कि ये हम नेहा की बीमारी की वजह से आए हैं, किसी खुशी के कारण नहीं। मम्मी आप बिल्कुल ठीक समझिए, और शायद पापा आप मम्मी की बात ठीक समझें। अब मैं चलता हूँ। अरे पापा आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं ना पापा,
पर मैं आपके बिगैर नहीं रह सकती हूँ। अरे कैसी बात कर रही हो नेहा? देखो देखो यहाँ पर नाना जी हैं, नानी जी हैं, मम्मी हैं, फिर? नहीं पापा, मुझे इधर नहीं रहना, मुझे दादी माँ के साथ रहना है। नेहा नेहा देखो, यहाँ पर डॉक्टर है, नर्सेस हैं, और बेटा मैं भी तो हूँ ना। नहीं पापा, फिर भी मुझे इधर नहीं रहना है पापा, अगर मैं इधर रही ना तो मैं फिर से बीमार पड़ जाऊंगी। कैसे बातें कर रहे हो नेहा? नेहा कल रात नींद में तुम मेरा नाम पुकार रही थी ना, पर वो मुझे कुछ नहीं पता है पापा, मुझे इधर नहीं रहता। ठीक ठीक है, ठीक है, बस बस बस। देखा पापा, आप एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हो, एक कामयाब बिजनेसमैन, पर आज इस बच्चे ने प्रूव कर दिया, ना तो आप अच्छे नाना जी हैं और ना कामयाब बाप। एक बात हमेशा याद रखेगा, इंसान को दौलत से नहीं, प्यार से जीता जाता है, प्यार से।